हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करूँगी जो है कि ओपन पोर्स की समस्या। और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम बहुत होती है, जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले होते हैं, जो ऑयली स्किन वाले होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स की समस्या होती है। ये ओपन पोर्स उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो इससे कैसे छुटकारा पाएं? ये जड़ से तो नहीं जाते। हाँ, इनको श्रिंक जरूर किया जा सकता है, इनको छोटा किया जा सकता है, लेकिन आप इसको किस तरह छोटा करेंगे, किस तरह क्या करना है, ये मैं सारे प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने जो प्रोसेस आपको जो दिए हैं, जो मैंने करके बताया है, वो आप ज़रूर कीजिए, और उससे आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। ये तो दो तीन चीज़ें हैं जो करनी है, स्टेप्स हैं, तो आप इनको ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये प्रोसेस करके, और कितने आपके आपके जो ओपन पोर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी कम हुई, कितनी हद तक कम हुई है, ये आपको कैसे कम होते होते कितना क्या फ़ायदा मिला आपको, क्या नहीं, कितना अच्छा फील हुआ आपका फेस में, कितना ठीक लगा, ये सब आप मुझे क्लियर करके आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए देख लेते हैं पहले इसको, देखते हैं कि चलिए करना कैसे है इसको। चलिए देखते हैं। तो देखिए गाइस, पहला स्टेप ये है कि हमें स्टीमिंग लेनी है, तो इसमें गर्म पानी ले लीजिए एक भगोने में, या फिर आपके पास अगर स्टीमर है भाप लेने वाला तो आप उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं इसमें ही ले रही हूँ। और आपको लेना है टी ट्री एसेंशियल लेमन एसेंशियल ऑयल, या फिर आप ले सकते हैं टी ट्री एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो आप लेमन भी ले सकते हैं। लेमन को आप काट के 4 पीस करके और आप इसमें डाल दीजिए पानी में, और बॉईल कर लीजिए और उसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए। उसके बाद आप इससे स्टीम ले सकते हैं, क्योंकि अच्छे से आपके ओपन पोर्स हो जाएंगे इससे। तो मैं, मेरे पास लेमन नहीं है इसलिए मैं लेमन एसेंशियल ऑयल ले रही हूँ। इसमें 2 बूंद ऐड कर लूँगी मैं। मैंने ले लिया है, अब मैं स्टीम लूँगी 5 से 8 मिनट के लिए मैं स्टीम लूँगी, और अच्छे से स्टीम ले लूँगी अपने फेस पर। Yeah.
देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्टीम ले ली है 5 से 8 मिनट के लिए, और ये हमारे ओपन पोर्स जो रहते हैं फेस के वो ओपन हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा स्टेप क्या है। इस पैक के लिए हमें चाहिए, ओपन पोर्स के पैक के लिए हमें चाहिए ये टमाटर प्यूरी है। इसको मैंने एक टमाटर की प्यूरी बनाई है, टमाटर को धोकर एक टमाटर को धो लिया है, फिर उसको मिक्सर ग्राइंडर में छोटा छोटा काट के डाल दिया। उसके बाद मैंने ये बना लिए, अच्छे से पीस लिया। बिल्कुल फाइन पेस्ट चाहिए इस तरह का, आप ऐसा ही ले लीजिए। और फिर चाहिए हमें मुल्तानी मिट्टी, एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लूँगी मैं इस तरह से, थोड़ा सा और ले लूँगी, इतना सा और ले रही हूँ मैं। और फिर इसमें मैं टमाटर की प्यूरी डाल दूँगी, टमाटर की प्यूरी उतनी ही डालनी है जितना कि आपका ये पेस्ट अच्छे से तैयार हो जाए। इस तरह से मिक्स कर लेना है हमने, अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करूंगी मैं, ये डाबर हनी है, आप कोई भी हनी ले सकते हैं, इतना है लूंगी मैं। इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें लम्स ना रहें, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए चलिए देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम पैक लगाएंगे ओपन पोर्स के लिए। ये वाला पैक बहुत अच्छा है, इसमें टमाटर डाला है मैंने क्योंकि आपके ओपन पोर्स जो हो गए हैं जो स्टीम ली थी उससे, तो उससे इसको बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा, डीपली क्लीन भी कर देगा ये पैक, और बहुत ही अच्छे से साफ भी हो जाएंगे और आपकी जो पोर्स हैं वो भी टाइट होंगे। जो मैंने हनी लिया है उससे आपकी जितने अगर ड्राइनेस हो गई होगी वो भी नहीं रहेगी, मुल्तानी मिट्टी से आपकी जितनी भी ऑयली स्किन होगी वो थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाएगी ऑयलीनेस, इसलिए मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है। अब इसको अच्छे से आप लगा लीजिए, 10 से 15 20 25 मिनट आप अच्छे से मोटा मोटा इसको लगा लीजिए अच्छा सा। फिर उसके बाद आप इसको सूखने दीजिए, उसके बाद आपको वॉश करना है। इस तरह से आप लगाएंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, जब मैं लगा लूँ सूख जाएगा तब मैं आपसे बात करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये सूख गया है, अब मैं इसको धुल के आती हूँ फिर मैं आपसे मिलूँगी। ये इस तरह से ऐसे रब करके आप देख लीजिए और फिर आप धुल लीजिएगा, अच्छे ठंडे पानी से धुलिएगा, मतलब ज़्यादा ठंडा भी ना हो, रूम टेम्परेचर का पानी हो तो उससे आप धुलिएगा। चलिए मैं धुल के आती हूँ, फिर मैं और स्टेप बताती हूँ आपको, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस धो लिया है, देखिए कितना शाइनी और ग्लोई दिख रहा है, आप खुद भी देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा दिख रहा है। अब मैं टोनिंग करूँगी अपने फेस पर, क्योंकि जो मेरे ओपन पोर्स वो क्लीन भी हो चुके हैं, श्रिंक होने के लिए मैं अब इसको भी डालूँगी। ये मैंने जो बनाया था मिस्ट, जो गाजर से मैंने बनाया था, वो मैं उसमें वीडियो उसका बनाया था, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा मिस्ट है। और अगर आपके बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं तो आप कुकम्बर टोनर भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। सुखा लीजिए इसको, 2 मिनट दीजिए तो ये अच्छे से सूख जाएगा और जो आपके ओपन पोर्स होंगे वो भी श्रिंक हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चर क्रीम आप लगा सकते हैं, डैप करके मैं सुखा लेती हूँ इसको। इस तरह से सुखा लेना है।
देखिए फ्रेंड्स, अब मैं मॉइस्चर क्रीम लगा लूँगी, मैं अपनी लोटस की मॉइस्चर क्रीम लगाऊँगी, डे क्रीम। इसको मैं लेकर फेस पे अप्लाई कर लूँगी। उसे अप्लाई कर लेना है और देखिए डन हो गया। ऐसे ही करना है आपको। चलिए मैं आपको थोड़ी देर बाद देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से इसकी कैसे स्टेप करने हैं ये ओपन पोर्स के लिए, और आपको कितना फ़ायदा होगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए आए हैं, ये मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा कि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, आपको आप जो जब भी आप करिएगा तो 10 से 15 दिन के बीच में ही आपको ये जो मैंने स्टीम ली है वो कीजिए। और उससे उसके बाद आपने जो पैक यूज़ किया है, हमने जो पैक यूज़ किया था मैंने, वो मैंने हफ्ते में आप 2 से 3 दिन बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके ओपन पोर्स की समस्या हाँ ख़त्म तो नहीं होगी, हाँ कम ज़रूर हो जाएगी। आप ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ कि ये आपकी ओपन पोर्स की समस्या जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, बाय।